वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। और आज हमारे पास है एक बच्चा जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं हाल ही के रिजल्ट में। नाम है हरि गुप्ता, राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से। कौन सा गांव बेटा? अकबरपुर गांव। आपके नियर बाय भी होगा, जो बच्चे देख रहे होंगे वहां से बच्चा बिलोंग करता है। तो इसने कभी हमारे साथ तैयारी की थी, तो इसकी जर्नी ना बड़ी दिलचस्प है। मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जो 1-to-1 बैक टू बैक कोचिंग्स लेते रहते हैं, तो ये बच्चा ऐसा था जिसने एक ही बार कोचिंग ली और उस कोचिंग के बाद ये एक बार प्रयास किया तो असफल हुआ, फिर दूसरी बार भी असफल हुआ और तीसरी बार फाइनली इस बच्चे ने अपने दम पर, अपने मेहनत पर एक मुकाम हासिल किया। इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो ASO की पोस्ट में CSS पर हुआ है, है ना भाई? यस सर। पूरी जर्नी हम डिस्कस करते हैं, चलते हैं। और ये इंटरव्यू आज हमारा बैठे बैठे रहेगा, ये इंटरव्यू आज हमारा होगा चलते चलते होगा, ठीक है? तो मुझे बताओ भाई हनी, अपने बारे में कहां से आते और क्या कैसे जर्नी रही? मेरा नाम हनी होता है और मैं अलवर राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, आपको छोटा सा गाँव है अकबरपुर, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मैंने ओनली BCOM किया हुआ है, वही एक हमारी लोकल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट, राज ऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी, उससे किया है, वहां से BCOM किया। तो स्कूलिंग कहां से रही आपकी? सर मैंने शुरू से गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूं। 10th में क्या परसेंटेज थी? 10th में सर मेरी 61.50 परसेंटाइल। और 12th में सर मेरी 75। कॉमर्स लिया था वहां पे? हां बिल्कुल सर। तो गाइड किसने किया आपको कि कॉमर्स लेना है या अपने मन से लिया है? नहीं सर, अपने मन से लिया था मैंने। अपने मन से लिया है। अच्छा बताओ, फादर और मदर क्या करते हैं? मेरी मम्मी तो हाउसवाइफ है, लेकिन मेरे पापा की एक छोटी सी कपड़े की दुकान है, तो वहीं पे पापा भी करते हैं, साथ में मैं खुद भी काम कराता हूँ उसमें। अच्छा, हेल्प करते थे वहाँ शॉप पे? बिल्कुल सर। कितना टाइम देते थे शॉप पे? सर मतलब ज्यादा से ज्यादा मेरे को शॉप पे टाइम देना होता था, ज्यादा से ज्यादा टाइम शॉप पे। अच्छा, पेरेंट्स की तरफ से ऐसा नहीं था कि भाई चलो ठीक है पढ़ाई कर लो, शॉप पे बैठने की जरूरत नहीं है? कोई मजबूरी थी कि वहाँ पे कोई मैनेज नहीं हो पाता था? नहीं, मैनेज नहीं हो पाता था सर, इसलिए मेरे को बैठना ही पड़ता था। पहले मेरे बड़े भैया थे वो बैठ जाते थे, लेकिन जब से उनकी जॉब लगी, वो खुद भी दिल्ली में ग्लैमर हेल्थ केयर में जॉब करते हैं मैनेजर की पोस्ट में, तो उसके बाद मेरे को संभालना पड़ता था। आपको संभालना पड़ता था। मदर तो सर मम्मी भी कभी कभी बैठ जाती है शॉप पे, तबीयत ठीक रहती है? मम्मी की तबीयत तबीयत ठीक नहीं रहती सर, उनका क्या है कि हेल्थ प्रॉब्लम आज से नहीं 23 सालों से चल रहा है, और उनकी 23 साल से डिप्रेशन की भी पेशेंट है वो, उनकी टैबलेट चलती कंटिन्यू। अब देखो भाई, अक्सर ये शिकायत होती है हमारी क्योंकि घर पे समय नहीं मिलता। मैं गांव देहात के बहुत सारे बच्चों से मेरे पास यही सवाल आते हैं कि सर मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और घर में डेयरी है तो हमें वहाँ हेल्प करनी पड़ती है, घर में कोई छोटा सा बिजनेस है हमें वहाँ हेल्प करना है, खेती बाड़ी करते हैं माता पिता, हमें खेती बाड़ी काम करना पड़ता है। इनकी जो शॉप थी, गुप्ता है ये फैमिली से, तो छोटा सा बिजनेस था, कपड़े की शॉप है, उस कपड़े की शॉप पर भी इन्होंने टाइम दिया, ठीक है। मदर बीमार है, डिप्रेशन में है, वहां भी इन्होंने जो है मदर की भी हेल्प की। लेकिन ये देखो कि माहौल देखो परिवार का क्या है, कि एक तरफ पढ़ाई भी करनी है, एक तरफ परिवार का जो बिजनेस है जैसा भी जिससे जीवन यापन चलता, मैं यही कहूंगा, वो भी संभालना है, मदर की भी देखभाल करनी है। तो कभी ऐसा लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा या बस कपड़े की दुकान को ही आगे बढ़ाओ? ऐसा क्यों नहीं कि आपने कि एक छोटा सा बिजनेस है मैं उसी पे आगे रहूं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि गुप्ताज वगैरह में क्या होता है कि बिजनेस को टेक ओवर करते हैं। नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमको नहीं दिखा कि हम बिजनेस में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस का हमारा थोड़ा रहता भी कम था उस टाइम सर, इसलिए करना पड़ रहा था हमको बिजनेस, क्योंकि अपनी फैमिली को चलाना है, घर के चलाना है, इसलिए अंदर सर मतलब वो था कि एक मजबूरी थी बस, इसलिए। और माइंड में क्या था कि सिलेक्शन लेना है? तो बस यही था कि करना है, SSC करना है बस। अच्छा देखो, नंबर भी जैसे देख पा रहा हूँ 10वीं और 12वीं में एक एवरेज औसत नंबर है, गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ा, होता ही हुआ है कि सर हम मीडियम क्या था, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था? हिंदी मीडियम से, गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी मीडियम ही होता है। अच्छा, हिंदी मीडियम में रहते हुए जब बच्चा एक तैयारी करता है तो दिक्कत ये होती है कि मुझे यार पता नहीं, एक से बढ़ के एक स्कूल में पढ़े हुए बच्चे हैं वो सिलेक्शन ले जाएंगे, हमारे लिए क्या बचेगा? लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ASO में CSS की रैंक इस बच्चे ने ली है, इसके पास और भी ऑप्शन थे, चाहता तो एक्साइज इंस्पेक्टर भी चूज कर सकता था, भी ऑप्शन थे। बिल्कुल सर, मेरे पास बहुत ऑप्शन थे, बट दरअसल क्या है कि भैया अगर दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी दिल्ली में ही से दोनों भाई ऐसी जॉब लूँ जो हमेशा लाइफ टाइम दिल्ली रहे, ताकि हम दोनों भाई दिल्ली रह सके और अपनी फैमिली को भी दिल्ली सेटल कर सके, इसलिए। तो ASO CSS इस बार बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, और अभी जो हमने हाल ही में सेमिनार किया था वहाँ भी जो बच्चे थे उसमें ज्यादातर बच्चे उसी के थे, मतलब कुल मिला के लेने का कारण क्या है ASO CSS का? एक ही कारण है, क्या है वो? लाइफ टाइम दिल्ली होस्टिंग, लाइफ टाइम दिल्ली में रहेंगे, यानी परिवार के साथ रहेंगे, भाई के साथ रहेंगे। अब आपको साथ साथ कैरेबल आज ऑफिस भी विजिट कराते हैं, इंडिविजुअल भी दिखाएंगे कौन व्यक्ति यहाँ पे क्या क्या काम करता है।
अब आज ही अंदर हम जयदीप सर के पास चलते हैं, सरप्राइज है, उनकी क्लास अभी चल रही है स्टूडियो नंबर 1 में, फिर लेके जाएंगे राकेश सर की क्लास में। तो अभी चल रही है जयदीप सर की क्लास, और जयदीप सर को आज हमने नप्पा दे दिया, पकड़ दिया क्लास में चलते चलते। आ जाओ बच्चे, हमारे साथ जो बच्चा है मैंने भी दिखाया था। तो जयदीप सर मैं इंट्रोड्यूस करा दूं उस बच्चे को, लाइव क्लास भी चल रही है, दोनों डिसाइड करके ब्लैक। अरे बच्चे का तो एकदम से फोन आया कि सर मैं दिल्ली आऊंगा, मैंने कहा आ जाओ, मोस्ट वेलकम। मैं ये तो कल भी आ जाता प्रयागराज था मैं। तो इस बच्चे ने 1128 रैंक हासिल की है, गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ एक बड़ा ही एवरेज मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा है, सरकारी स्कूल से पढ़ा है, 6.5% 10th में थे, 12th में कितने परसेंट बताए थे? 75% इसके 12th में थे। और नॉर्मली मतलब मैं ये कहूंगा कि ऐसा बच्चा जिसकी मदर बीमार रहती है, फादर का एक छोटा सा बिजनेस है, उसके लिए उसको बैठना ही पड़ता था शॉप पे, यानी शॉप पे भी बैठना है, घर के काम भी देखने हैं, बावजूद उसके पढ़ाई का समय भी निकालना। तो उन बच्चों के लिए जवाब है कि सर हमें समय नहीं मिलता, हम खेतीबाड़ी करते हैं, फलाना काम करते हैं। तो भाई भगवान को सबने 24 घंटे दिए, आपको भी, मुझे भी और इनको भी, और सभी को वो बैलेंस करना होता है कि जीवन में कैसे करेंगे। ये बच्चा पढ़ा था हमारे पास 2019 में, जयदीप सर से इंग्लिश ली, तो बताएगा कि कैसे इसको लगा और इंग्लिश में कितना इसको मजा आया। रीजनिंग तो खैर मैं कहूंगा नॉर्मल सर, इस बार मेंस में थी रीजनिंग, उसमें क्या रिस्पांस रहा? ये वाला भी हाथ में नहीं, नहीं वो कैमरे का है, आप बताओ। ये तो नॉर्मल। अच्छा आपने कब आए थे हमारे पास? सर 2019 में, मैंने 2019 में पढ़े थे स्टूडेंट्स कोचिंग। दरअसल क्या था कि 2017 में मैंने पहले बैंक की कोचिंग ली थी महिंद्रा से, लोकल, बट दरअसल क्या है सर, मेरे को इंग्लिश का थोड़ा पंगा लग रहा था। अब आ रहा है, अब दिख जाएगा सर। उस लिए मैंने सोचा की अगर मेरे से यार कुछ नहीं हो पाएगा, उसको बैंक की कोचिंग मैंने छोड़ दी। तो एक दरअसल मेरे भैया है वो कस्टम में, बुआजी के बेटे है वो कस्टम इंस्पेक्टर है, अभी पहले तो वो दिल्ली थे, फिलहाल वो चंडीगढ़ पोस्टिंग है उनकी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि अगर ठीक है तेरे को नहीं करना, तो मैंने कहा कि मैं चलो रेलवे की तैयारी कर लूंगा, वहाँ इंग्लिश नहीं आएगी तो मेरा उसमें तो हो ही जाएगा, बाकी सब में मैं अच्छा हूँ, बस इंग्लिश में तो खराब हूँ। तो उन भैया ने बोला कि ऐसा करिए, प्रूडेंस करके कोचिंग आई है राकेश यादव सर की, अलवर में आई है। ये तब था जब ऑफलाइन भी पढ़ाते थे हम, पहले भी था ऑफलाइन में, जब हम पढ़ाते थे तो हमारे सेंटर का जो नाम था, हमने वो प्रूडेंस कोचिंग सेंटर रखा हुआ था। 2019 की बात है, लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले ना, क्योंकि कोरोना से पहले हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। फिर तो भी सर मेरे को, मैंने सोचा कि ठीक है चलो मैं प्रूडेंस में गया देखने, तो बट सर आपकी क्लास चल, मैंने सोचा बच्चे बोलते कि यार इंग्लिश की भी ट्रायल ले ले, हम क्या मेरे को करना ही नहीं है तो रहने देते हैं। अच्छा। दरअसल चल एक बार ले लेते हैं ट्रायल लेने में, गया दो दिन का अपना फ्री है, तो सर मैं लिया। तो दो दिन का लेने के बाद मैंने सोचा कि मैं को ये सर पढ़ा सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा। और सर मैं पढ़ते ही चला गया। क्या स्कोर रहा बेटा इंग्लिश में? सर इंग्लिश में 109 है मेरे, 109 है। बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई ये देख लो, कई बार होते हैं ना, अच्छा वहाँ पे आप वो गए वो भैया की सलाह से, देखिए इंग्लिश पढ़ के तो देख लिया, वरना इंग्लिश से इतना खौफ था कि रेलवे ले लेते। हम रेलवे की तैयारी करने वाला, तो पहले क्लास में डांट वाट के बताया था क्या मैंने कुछ? नहीं सर, बड़े प्यार से समझाया था, मेरे को अच्छा से समझ में आया। सबसे बड़ा सर मेरे को पंगा था रूल्स का। अच्छा। जो रूल्स से रटन विद्या मेरे से होती नहीं है। अच्छा। जब मैंने बिना, जब राकेश यादव सर से भी मैं पढ़ा हुआ हूँ ना मैं, तो उनसे भी मतलब रूल्स नहीं रटे, उस चीज को करना कैसे, अपने आइडिया से कैसे करना है। अरुण सर ने भी बताया था कि अपने आइडिया से किसी चीज को कैसे कर सकते हैं, तो मैं अपने आइडियाज क्रिएट करता था, इसलिए वो रूल रूल वाली इंग्लिश नहीं, मेरे को विदाउट रूल बहुत अच्छा लगा, पढ़ पढ़ के समझ आ रही है जो चीज को रटना क्यों है। भाई इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इसलिए विदाउट रूल पढ़ाने का मेरा उद्देश्य भी यही होता है, रूल पढ़ के बच्चा पक जाता है, कितना आप पढ़ोगे यार, कितना आप रटोगे। चलो बढ़िया रहा ये, अच्छा लगा ठीक है आप ले आए, ये बहुत बढ़िया लगा भाई मेरे। कई हो गए, चलो इसमें तो है यार नॉर्मल, बाद में भी इस इंटरव्यू को जो जो। कौन सा गांव अलवर का बता भी, कौन सा गांव? अलवर के पास मेरा अकबरपुर गांव है, अकबरपुर गांव है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, राजस्थान का आदमी ना बड़ा शांत होता है, मैं तो बड़ा मतलब शांति प्रिय डिस्ट्रिक्ट लगता है, देख के भी लग जाता है कि बड़ी शांति से भाषा बड़ी वो होती है। तो भाई पहले हमारा स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर ऑफलाइन चलता था बेटा, जिसकी करीब करीब 160 प्लस ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइजी उसकी ओपन कर चुके थे, जिसमें हम प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाया करते थे, लाइव क्लास हम मुखर्जी नगर ऑफलाइन जो बैच लेते थे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बेटा कि जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है वही ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, और ये बच्चा उससे ज्यादा पढ़ाया जाता है। हाँ, तकरीबन अब तो उससे ज्यादा हो गई फैसिलिटीज, और अब तो ये है कि बच्चा 2019 में जिसने इंग्लिश से इतना खौफ था कि रेलवे करने का सोच लिया, बिल्कुल सर फाइनल था। और अब कौन सी जॉब मिली है? अब सर मेरा ASO & CSS है।
अब देख लो भाई साहब, और रैंक कौन सी आपकी? 1128 ले सकता था, इसने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया रहना है? क्योंकि मेरे भाई भी दिल्ली है। अच्छा, मैं भी, हम दो ही भाई, मतलब परिवार के लिए जो उस हिसाब से एडजस्ट की, परिवार दिल्ली में रहे, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैंने एक्साइज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, तो उससे पहले मैंने कैग ऑडिटर ही भर दिया, इनको तो बाद में भरा। अच्छा अच्छा, कैग ऑडिटर भर दिया। चलो मिनिस्ट्री नहीं मिली तो मेरे को कैग ऑडिटर दिल्ली मिलना तय ही है। तुम बच्चों क्या करें, जैसे कमेंट अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, कि जो इंग्लिश वीक वाला सेक्शन, वो मैं तो इनको बहुत डांटता हूँ, मुझे लगता है कि वो झूठ बोलता है। सर दरअसल क्या है, कुछ नहीं, एक तो नोट्स का बार बार रिवीजन करते रहा। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा दे सको ना, प्रैक्टिस दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या पीते हो जयदीप सर? मेरे भाई, अरे पानी कंपनी में। तो भाई मेरे सिंपल सी एक बात है, मैं कह के कि थक गया सर, थक गया थक गया, बेटा पानी पिएगा? दो पानी पियो। कि भाई थोड़ा सा पढ़ लो प्लीज, जो करा रहा हूँ उनको ढंग से नोट्स को रिवाइज करके, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, तो अब तो हम क्लास में ही करा रहे हैं सारी, वो प्रैक्टिस करके चले जाओ। बेटा एक वो बच्चा जिसका इंग्लिश में इतना खौफ था, वो 1100 रैंक ला रहा है, और आज मन चाहिए जो पा रहा है, जो रेलवे में जाने का सोच रहा था, ठीक है, आज वो इतनी बढ़िया पोस्ट पे जाएगा, वही आपका ख्वाब। तो इंग्लिश में भाई वाकई में आप मेरे पास जीरो बन के आओ, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको हीरो बना दूंगा, लेकिन आप बनने के लिए तैयार तो हो। ये वही वाली स्टोरी याद नहीं आ रही है मेरा केसर की, कि भाई एक पत्थर भगवान बनना चाहेगा, बस उसके लिए चोट लगेगी, उस पत्थर को एक भगवान का रूप देने में उस पर चोट लगेगी, वो चोट सहने के लिए तैयार तो हो, वो मेहनत करने के लिए तैयार तो। देखिए हमारा लोंडा सूख के काटा हो, पढ़ाई पढ़ाई के बोझ में हुआ, कैसा क्या हालत है, ठीक हो जाएगा। पापा भी ऐसे ही है, भैया भी ऐसे है, मैं भी ऐसे, वैसे ठीक है, ज्यादा पतला व्यक्ति चल जाता है, पहले ऐसा था, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना, अब इसको कर देंगे, हम भी ऐसे ही थे, हम सर भी ऐसे थे, इतने पुराने फोटोज देखने ना कभी, ठीक है, बहुत पतले हुआ करते थे, ठीक है, फिर इनको भी अब जो है मस्त हो गया, अब नौकरी लग गई, अब तो मोटे, बिल्कुल सर, अब मोटे, खाने से ज्यादा सुख लगता है, पता है, खाने से ज्यादा सुख लगता है, वो करेगा। चलो अब छापो मारने का, अब राकेश सर के पास लेके चलते हैं। थैंक यू सर, कहाँ चला, चलो एक सेकंड में आ रहा हूँ भाई, एक बार छापो मार भाई, आऊँ एक बार राकेश सर के पास ले लेगा। ये भाई केरेविल का काम काज यहाँ से होता है, इंडिविजुअल में बताऊंगा कि कौन कहाँ काम करता है। अभी तुम्हारी सीटों पे आ रहे हैं, एक बार ऊपर का जो सेक्शन हमने, चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, जो जो यूपीएससी का प्लान कर रहे हैं, यूपीएससी प्लीज प्रैक्टिकल होके प्लान करना, अगर लगे एक साल में कि पक्का उखाड़ दोगे तो करना, अदरवाइज छोड़ के अपना मस्त जिंदगी, ज्यादा सीरियस नहीं होना है। ये अपना पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है, सारे बहुत ही मेहनती लोग हैं। अभी आ रहा है, और ये है राकेश सर, मारते राकेश सर को, हमने पकड़ लिया, दप्पा कर लो, हमने दप्पा। बहुत ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बी आंसर है जो है इसका। नहीं है, नहीं, ये आंसर है। तो हमारे साथ है हनी गुप्ता, वो बच्चा जो सरकारी स्कूल का पास आउट है, और कभी राकेश सर से पढ़ा, एक ही बार पढ़ने पे दो बार असफल हुआ, 2020 में, 2021 में, और फाइनल इसने सिलेक्शन। वैसे बच्चे अब इंग्लिश पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं होती, कंपटीशन है, लव सर, इसमें आवाज है, मैं पढ़ो उतने पे ही सिलेक्शन। मैं इंग्लिश से डर रहा था, ये पता है, कह रहा था मैं रेलवे में जा रहा था, बस आपसे पढ़ के फिर आज। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं इस बच्चे से मिलाने के लिए, इन दोनों अध्यापकों को, अभी इन दोनों अध्यापकों का इंटरव्यू चल रहा था इस बच्चे के साथ, और ये प्रूडेंस का बच्चा है ना, प्रूडेंस में पढ़ता था ये मुझसे ऑफलाइन, और इसने जीवन में एक ही बार कोचिंग ली, और होना भी यही चाहिए कि एक ही बार कोचिंग लो, लेकिन इतनी मन से करो कि दोबारा उस चीज़ की जरूरत ना पड़े कोचिंग लेने की, और इसने शायद वही किया, और एक ही बार की मेहनत से इसका सिलेक्शन हुआ। किस पोस्ट हुआ बच्चे? ASO in CSS में हुआ सर, इसका ASO असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर इन CSS में इसका सिलेक्शन हुआ है। इस बच्चे को ढेरों शुभकामनाएं, और सर का, अरुण सर का, और जयदीप सर इसका इंटरव्यू चला रहे थे, जयदीप सर तो कर हर एक का इंटरव्यू चला रहे हैं, हैं? इनको बहुत धोया जाएगा। जयदीप सर की तो क्लास चल रही थी, क्लास चल रही थी, क्लास कहाँ पर थी तेरी? छापा मारा इसने, मैंने कहा चलो आगे छापे में तो इंटरव्यू करते हैं। और बच्चे, मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा मेरी छोटी सी क्लॉथ की कपड़े की दुकान है, कहाँ पे? सर अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अकबरपुर गांव है, छोटा सा वहीं पे। अच्छा, कुर्ता पजामा क्या ये सारे टाइप के? ऐसा कोई भी चीज नहीं जो नहीं देते, सब कुछ। किस नाम से?
सर हमारी कुंजीलाल राजेंद्र प्रसाद, कुंजीलाल राजेंद्र प्रसाद नाम से इस बच्चे की दुकान है, इसके फादर साहब की कपड़ों की। अगर आप अलवर में रहते हैं तो आप वहाँ जरूर जाइए। और हाँ अच्छा, मदर बीमार रहती है, वही गरीब बच्चा क्या करे, माँ बाप के बिजनेस में भी सहयोग करता है जो भी उनका काम होता है और पढ़ता भी रहता है। सर एक बात, जो बच्चा ये बोलता है ना कि हमको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मिडिल क्लास के बच्चे के लिए और लोअर क्लास के बच्चे के लिए एक ही मोटिवेशन होता है, अगर हमको हमारी जिंदगी आने वाली बढ़िया जीनी है तो हमें इस क्लास से ऊपर उठना है, बस उससे बढ़िया मोटिवेशन कुछ नहीं है। कुछ नहीं, हम दोनों भाइयों ने बस यही मोटिवेशन दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या शानदार बात इस बच्चे ने कही कि सर एक ही मोटिवेशन रहता है कि हम जिस क्लास में अभी हैं उससे ऊपर वाली क्लास को पकड़ना है। क्लास का मतलब जो भी आयु आय वर्ग है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऐसे उसको बढ़ाना है। तो उसको बढ़ाने के लिए केवल और केवल किस चीज की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। और इतने संघर्षों से ये बच्चा आया है और किसी मोटिवेशन की जरूरत ही क्या है। मैं अक्सर कहता हूँ जिस बच्चे ने अपनी माँ की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियां ना समझी हो वो जीवन में क्या ही सफल होगा, और सफल हो भी गया तो क्या ही कर लेगा अपने जीवन में बदलाव। तो अपनी माँ की झुर्रियां और बाप की मजबूरियों से ज्यादा कुछ है नहीं जो आपको मोटिवेट कर दे, सब कुछ वहीं से मोटिवेशन है। मन में लगन तो लगानी पड़ेगी, ये आग तो रोज जगानी पड़ेगी। आगे का शेर मुझको आता नहीं, तू कर पूरा। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू, क्लास कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, अरुण सर। हाँ, और अरुण सर के साथ एक फोटो हो जाए, सारे बच्चे फोटो खींच लो, सर मूछो को ताव देते हुए। अरे भाई हम कमजोर लोगों से बात नहीं करते, कमजोर लोगों से बात नहीं करते। बताओ ये रील बना रहे हैं कि इतना मीठा भी ना हो कि निकल जाए। भैया तुमको कौन निकल लिया ये तो बताओ, कौन सी रील देख रहे पता नहीं। हम कल देख रहे थे तुम्हारी रील, एक आ रहा था कितना मीठा ना बनो कि तुम्हें कोई गप गप निकल ही जाए। किस इलाके में निकला गया तुमको ये बता, काहे नहीं रहे भैया? मोए गलती होगी भैया, मोए गलती होगी। नहीं नहीं भाई, राकेश सर बताने दो तीन दिन से इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं। देख लो क्वेश्चन में, देखो हिंदी में ज्यादा पढ़ रहे होंगे, है ना। बेहतरीन टीचर भाई, और सबसे बड़ी चीज जयदीप सर बेहद ही ईमानदार, बेहद ही कठोर परिश्रमी, और क्या वो कहते हैं कि लगन वाले व्यक्ति हैं। एक लड़की एक चीज के पीछे लगन लगा दी, फिर नहीं है पीछे मुसीबत है। मतलब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कितनी मुसीबत है, एक बार लग गए तो फिर लग गए। और बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और बहुत जल्द इनका परिणाम सामने आएगा। और भगवान ने चाहा तो आप सब बच्चों बीच में इनका मतलब, अब आगे आप ही बताओ। नहीं नहीं भाई, मजाक कर रहे हैं सर, और शादी कराएंगे प्रयागराज में, सबका मंत्रण है। हाँ बोलो, अभी अभी 20,000 बच्चा आया था, पता चला सब भंडारा कराएंगे, बड़ा भंडारा बेटा, ठीक है, बड़ा भंडारा कराएंगे। सच में मेहनती आदमी है और बहुत जुनूनी आदमी है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी सबसे बेहतरीन टीचरों में से एक है, और दूसरे इनके साथी इनके बड़े भाई, बड़े हैं छोटे हैं गोपाल जी, हमसे 2 साल छोटे हैं, गोपाल वर्मा जी 2 साल इनसे छोटे हैं, वो भी बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं। और केरल का ये सौभाग्य है कि इंग्लिश में इस देश की सबसे अग्रणी टीचरों में से जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उनमें बहुत अच्छे दो टीचर हमारे पास हैं, और इनके सहयोग से ही आज केरल में ऐसा हो पा रहा है गोपाल वर्मा सर और जयदीप सर के, लगभग बच्चा जो बच्चा सिलेक्ट हो रहा है अगर उसने इंग्लिश कहीं पढ़ी है तो अधिकतर बच्चों ने इन दोनों टीचरों से की है, और इनका बहुत योगदान है हमारे इस कैरियर परिवार को फूलने और फलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इनका भी थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू मेरे भाई। तो भाई ये है हमारा सेक्शन बाहर वाला, एक हमने जो है छत पे एक बहुत बढ़िया सा प्रोग्राम सेट किया हुआ है, ये हमारा किचन है, ठीक है, छोटा सा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना बनता है, ठीक है। चलो भाई मैं क्लास लेता हूँ, क्लास छोड़ के आ रहा था, अब आगे अरुण सर करेंगे कंटिन्यू। मतलब अपनी तरफ से ईमानदारी से बताना कि वो कैसे तैयारी कर सकता है। सबसे पहले आप एक कोचिंग लीजिए, कोचिंग किसी भी बेस्ट टीचर से लीजिए, मुझे नहीं लगता कि इन रूडेंस के जो टीचर्स हैं, कैरियर विल के जो टीचर हैं, इनसे बेस्ट कोई होगा, शायद हो भी सकते हैं। आप अपनी अपनी समझ की करके किसको किस टीचर का समझ आता है, कहीं से भी लीजिए, बस एक बार कोचिंग लीजिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितना टाइम लग जाएगा भाई सिलेक्शन लेने में बच्चों को? वो सर आप इन बच्चों के ऊपर, वो कितनी जल्दी उस चीज को कवर करते हैं, कितना उसको प्रैक्टिस करके
ले पाते, सबकी अलग अलग अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, कोई बच्चा एक साल में ले जाता है और जैसे मुझे 3 साल लग गए, तो सबका अपना अपना होता है सर। तो कितने घंटे पढ़ाई की है, मतलब ये पर डे पढ़ा है या बीच में ऐसा है कभी छोटी भी तैयारी, या 3 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे हो? सर घंटे के हिसाब से तो मैं पढ़ ही नहीं सकता था, दरअसल मेरा यह था मुझे जितना समय मिल रहा था उस समय में पढ़ लेता था, बस ये था। और आपको घंटे के हिसाब से आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बस अपना कंटेंट डेली का कर लो कि आज मुझे इतना करना है तो बस वो करना है, और जितना ज्यादा एक दिन में आप जितनी ज्यादा करोगे उतनी ही जल्दी आपको सिलेक्शन मिलेगा, इस बात में कोई दोराई नहीं। देखो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि भाई रोज पढ़ना है तो 8 घंटे 6 घंटे, ये तो है कि अपना टाइम मैनेज करना है, मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के काम भी करने हैं, किसी दिन कम समय भी मिल जाए, किसी दिन हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, अब किसी दिन शॉप भी बंद रहती होगी। बिल्कुल सर, हमारी वहाँ नहीं रहती शॉप बंद नहीं रहती, चलो इसको तो टाइम ही नहीं है, मतलब जो टाइम मिला वो दुकान को देना और दुकान से मिला के, तो रात को मतलब क्या शेड्यूल होता था, रात को कोई लेट तक जा करके पढ़ना है, सुबह पढ़ना दिन में पढ़ना, कौन सा बेस्ट लगता है? जब भी मेरे को दुकान पे भी जैसे टाइम मिल जाता था, मतलब कस्टमर नहीं है तो मैं पढ़ लेता था, अब मेरे को रात को भी पढ़ ले, मैं 8 से 12 1 जो भी मेरे को टाइम मिलता उस टाइम पे पढ़ लेता। भाई हम भी ऐसे करते थे, 11:20 हो जाता था हमारा एग्जाम होता था ना, हम खेत में जाते थे और इन दिनों में लग जाती है जामुन हमारे खेत में, तो होता क्या घर पे लाइट तो रहती नहीं, गर्मी इतनी लगती है, तो खेत में चले जाए जामुन के छांव पेड़ पे चढ़ गए, जामुन भी खाली बना बैठ के पढ़ लिया, क्योंकि ऊपर बैठ के पढ़ लेते, उससे बढ़िया होता ना मचान पे पढ़ लेते थे, या खेत में जो हमारे चौबारा होता था वहां बैठ के पढ़ लेते थे, तो पढ़ने को इंसान यार कहीं भी पढ़ सकता है, तो इतना बढ़िया मतलब घर बैठ के पढ़ने का अवसर आया, तो इस अवसर को पूरा ध्यान दो। ये हमारी इधर टीम बैठी कैरेबल की, अरे कप्तान जी क्या चला दिए कप्तान जी, हमारे टेक्निकल हेड है सारी चीजें टेक्निकल से, कप्तान और इधर बैठा राजीव, राजीव हमारे वीडियो एडिटर है, अभी भी वीडियो एडिट कर रहा है, ये वाली वीडियो भी जल्दी एडिट करेगा। चलिए तो ऐसे ही एक रेगुलर सेशंस के साथ हम आते रहेंगे। अभी ये जो बच्चा है और अपनी तरफ से कोई संदेश देना बेटा तेरे को? कुछ नहीं, आपको अपनी लाइफ में ऊपर जाना है तो कुछ नहीं, मेहनत कीजिए, आपको ये सोच लो अगर आपको आगे की जिंदगी आसान जीनी है तो आपको अभी मेहनत कर लेनी है, अगर अभी आप आसानी से जीना चाहते हो तो आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, एक बार तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सर बता मोटा कब होगा आप? तो सर आप मोटे ही हो जाएंगे। हो जाएगा, अभी कितना वेट है सर? अभी मेरा 48 47 वेट कुड़ी था इंदो भाई, हो गया बेटा तेरा है 48। लेकिन देखो ना मेहनत कितनी की है बच्चे ने, कोई समय था हम भी ऐसी थी, कभी फोटो शेयर करूंगा आप अपनी, तेरे से भी कमजोरी होगा। मेरे से पहले हर कोई यही बात बोलता था कि यार अपने जनरल वालों को ये जॉब कहाँ रखी है, वैसे दरअसल मैं हूँ EWS से, मैं EWS से सिलेक्टेड हुआ हूँ CSS में, एक बच्चा भी पूछ भी रहा था कि इतनी रैंक आने के बाद आप CSS में कैसे आए, मेरी रैंक आई है लेकिन मैं EWS से सिलेक्ट हूँ ASO में, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से, वीकर सेक्शन से। और ये सर्टिफिकेट बेटा आप लोग भी बनवा सकते हैं, कब बनवाया था आपने सर्टिफिकेट ये? सर मैं हर साल 2019 से ही बनवा रहा हूँ, 2019 से अप्रैल में बनवा लेता था मैं स्टार्ट में, तो उसमें कुछ अपडेशन होता है? हाँ, हर साल सर न्यू ही बनता है, मतलब आपको इनकम का प्रूफ देना होता है, हाँ, और उसमें इनकम ईयरली क्या होती है अकाउंट? वो सर आपको मेरे मैं तो सर 1,80,000 दिखाता था, वो उसी ग्रुप का है, तो EWS सर्टिफिकेट से आप बनवा लीजिए, झूठा नहीं है सच्ची ही है, क्योंकि इनकी इनकम एक इतनी ही थी, और उस इनकम के माध्यम से भी देखो उसको फर्क पड़ा, आपको लगा किससे फर्क पड़ा आपको ये जॉब मिलने में EWS सर्टिफिकेट से? नहीं सर थोड़ा बहुत तो फर्क मिलता है। कितना मतलब रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें? सर मेरे को जैसे अभी से CSS मिल गया ना, था CSS नहीं मिल पा रहा। अच्छा CSS इसी वजह से मिल गया, 1128 रैंक के बावजूद? हाँ बिल्कुल सर, नहीं तो उसमें फिर समस्या थी। हाँ फिर ये नहीं मिल पाता, कुछ और मिलता तो ये फायदा हुआ। और एक आप ना अपने दोस्त अच्छे ढूंढिए, एक मेरा दोस्त है ऋषभ जैन जिसकी ऑल इंडिया रैंक 2021 में 51वीं आई थी, और वो अभी MEA में है, वो भी ASO है, वो ही एक बंदा ऐसा था जो मेरे से हर बार बस एक ही बात बोलता था यार मेरे को विश्वास है तू कर लेगा, और उसी बंदे की पॉजिटिव उसी के डायरेक्शन से और टीचर्स के डायरेक्शन से ही मैं पढ़ा, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो देखो संगत का असर बहुत जबरदस्त होता है, यानी अच्छे लोगों की संगत में रहिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो आपको गिराने में लगे होंगे, मतलब वो नहीं चाहते कि आप ऊपर बढ़े, लेकिन एक सच्चा दोस्त ऐसा होता है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जो हमेशा आपको ऊपर लेके जाएगा, तो ऐसा एक जीवन में दोस्त होना चाहिए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकें, उसको दिल की बात तहे दिल से बता सकें, क्योंकि ऐसा दोस्त लाइफ में होना बहुत जरूरी, क्योंकि कोई बर्डन हो तो हम उसके सामने शेयर कर सकते हैं,
सुख दुख की बातें शेयर कर सकते हैं। तो बहुत जल्द एक और इंटरव्यू के साथ आएंगे। मुझे इस बच्चे की जर्नी काफी यूनिक लगी, रोचक सी लगी। अच्छा ये बता, भी लाइब्रेरी में पढ़ा कभी है नहीं? हाँ सर, मैं लाइब्रेरी में नहीं ज्वाइन की थी, बट प्रॉपर नहीं जा पाता था, लाइब्रेरी नहीं जा पाया। हाँ नहीं, 4-5 घंटे मुश्किल से जा पाता। हमारे पास, सच्चाई बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, 60% बच्चे ऐसे हैं जो लाइब्रेरी जाके भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप बेस्ट से बेस्ट टीचर पे पढ़ भी रहे हैं, आप लाइब्रेरी भी नहीं जा रहे हैं, आप दिन में 10-12 घंटे समय भी दे पा रहे हैं, बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा बेटा, कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। और उसको पहचानना पड़ेगा, और इंसान को अपनी कमी सबसे पहले पता चलती है कि भाई ये मेरे अंदर कमी है और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर मार खा रहा हूँ। तो जैसे इस बच्चे ने भी काम करते हुए रेगुलरली एक अच्छी रैंक निकाल ली है, और इन्होंने थोड़ा समझदारी का भी परिचय दिया, इन्होंने EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो उस आय से कम बिलोंग करते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट दीजिए, हेल्प मिलती है, कैटेगरी मिल जाती है रिजर्वेशन की, तो इनको रैंक मिलने में जो है वो बना। इन्होंने तो ये इवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बजाय स्कैग में जाना पसंद करते हैं। इनकम टैक्स में क्यों नहीं जाना था भाई? सर वो मेरे को साउथ मिलता है इसलिए मैंने साउथ में जाना था। दूसरा ये होता है कि भाई कोई भी आरोप लगा सकता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो रिश्वत ले रहा होगा। बिल्कुल सर, ठीक है, अब ये साफ सुथरी नौकरी आराम से। तो ठीक है भाई, मेरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी करते रहिए। बिल्कुल, ठीक है। मैं सर मिठाई भी लेके आया हूँ, ये अलवर का फेमस है मिल्क केक। अलवर का फेमस मिल्क केक लाया नेत्राम सैनी स्वीट्स। चलिए भाई, तो सबसे पहले तो मिठाई के पात्र जो बधाई के अधिकार हैं वो इन्हीं को है। देखो भाई, पढ़ तो सभी रहे हैं, और हम ये गए कि बच्चे हमारी वजह सेलेक्ट हुए हैं तो ऐसा नहीं होता, बच्चे अपनी मेहनत से सेलेक्ट होता है। हाँ ये है कि मार्गदर्शन प्रॉपर मिल जाता है, काफी हद तक बच्चे को हेल्प मिल जाती है। लेकिन मेरा बैच ले लो, 10 बार ले लो, राकेश सर का 10 बार ले लो, जयदीप सर का ले लो, सिलेक्शन कम होगा। जब आप सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करेंगे तभी आपका वो हो सकता है। लाइव चलने देना भाई। हेलो, अच्छा, अरे CHSL में कह रहा हूं मैं तो। अच्छा ठीक है।